अभी के इस आर्थिक युग में जहां आदमी आदमी को आदमी मानने को तैयार नहीं है, वहीं एक ऐसा वैश्य दरिंदा भी है जिसने दरिंदगी की हर हद को पार कर दिया है। क्या हुआ था दीदी के साथ? दीदी के साथ शादी हुआ था, उसके बाद 2 महीना बाद मार दिया। मार दिया? आपको ऐसे ही एक वैसी दरिंदे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपका सीना दहल उठेगा और आप आक्रोशित भी होंगे। जो अभी तक मैं ये चौथी शादी किया है जिसमें एक लड़की को समाज ने समझाया तो बच करके तो चली गई, घर वापस ले गए, अब बाकी 2 गो को जो है से वही मार दिया। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं SDF लाइव इंडिया और आपके साथ मैं हूँ गौरव सिन्हा। ये एक ऐसा वैसी दरिंदा है जो गरीब घर की लड़कियों को अपनी अमीरी दिखाकर जाल में फंसाता है। सिर्फ गरीब घर की लड़कियों को ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों को भी फंसाता है, क्योंकि हर घर वालों की चाहत होती है कि हमारी बिटिया एक अच्छी जगह पे शादी करके जाए, ब्याह के जाए, जहां उसे हर तरह का सुख शांति मिले। इसी जाल में वह लोग फंस जाते हैं इसकी अमीरी देखकर, और उसके बाद इसका घिनौना खेल शुरू हो जाता है। मेरा दूध बंद कर दिया, मेरा खाना बंद कर दिया, रूम में बंद रखने लगे और बोले 3 लाख रुपया लाओगी तो बसोगी और नहीं तो सीधे यहाँ गला घोट कर मार दूंगा। आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं वह समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना के चकसेकू क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम विकास कुमार उर्फ विकास भारती है। यह एक सरकारी कर्मचारी भी है, किसी विभाग में यह सरकारी पद पर कार्यरत भी है। एक के बाद एक 4 शादियां यह शख्स कर चुका है। शादी करने के बाद यह शख्स अपनी पत्नी का जीवन बीमा करवाता है और उसके बाद उस जीवन बीमा के पैसे के लिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद ये पैसे प्राप्त कर फिर दूसरी शादी करता और फिर ये घिनौना खेल एक के बाद एक तरह से चलता रहता है। इसकी पहली शादी जब होती है तो इस घिनौने सच को इसकी पहली पत्नी भांप चुकी होती है और वह इसके चंगुल से निकलने में कामयाब रहती है। 25 जुलाई 2015 को मेरे पति विकास भारती, सास किरण देवी और ससुर मदन मोहन प्रसाद तीनों मिलकर मेरा गला घोटने का कोशिश किए कि मैं चिल्लाने लगी और पड़ोसियों ने कहा कि इसे मत मारो, इसे जान से मत मारो, इसे मायके पहुंचा दो। तब मेरे पति ने मुझे और मेरी बच्ची से, मेरे पति विकास भारतीय, सास किरण देवी और ससुर मदन मोहन प्रसाद ने सारा सामान छीन कर रख लिया। मुझे और मेरी बच्ची को सिर्फ कपड़े में नवादा मायके पहुँचा दिया। लेकिन दूसरी पत्नी, फिर उसके बाद तीसरी पत्नी और फिर चौथी पत्नी के साथ यह शख्स यही घिनौना खेल खेल चुका है। यह शख्स तीनों को मौत के घाट उतार कर जीवन बीमा का पैसा प्राप्त कर चुका है और इस शख्स की तूती उस क्षेत्र में इस तरह बोलती है कि कोई भी इसके खिलाफ कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। लेकिन कैमरे के पीछे हर कोई इस शख्स की दरिंदगी की दास्तां बयां करता है कि कैसे यह शख्स अपनी अमीरी दिखाकर गरीब घर की लड़कियों को, उनके परिवार वालों को अपनी अमीरी दिखाकर अपने जाल में फंसाता है और फिर उस लड़की को 1-2 महीने के बाद मौत के घाट उतार देता है। यह कहानी बहुत ही दर्दनाक है। मामले की पड़ताल के लिए जब हमारे वरिष्ठ सहयोगी आनंद राज उसके 4th नंबर की पत्नी के घर पहुंचे तो उसके पिता, उसके माता और उसके छोटे भाई बहनों ने जिस दर्दनाक अंदाज में इस दर्द को बयां किया उसे सुनकर आप दहल उठेंगे और आपका सीना आक्रोश से भर जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे यह शख्स 4 शादियां कर चुका है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो अपनी सगी बहन को का भी बीमा करवा कर उसे भी मौत के घाट उतार चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम लोग नहीं जानते हैं, ये पुलिसिया जांच का विषय है। बात की पुष्टि SDF लाइव इंडिया नहीं करता है, लेकिन अभी तक जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर इस शख्स को पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कामयाब नहीं होती है तो यह शख्स समाज के लिए एक कोड बनकर उभरेगा और अन्य घर की लड़कियों को भी अपने जाल में फंसा कर फिर वैसे ही मौत के घाट उतार देगा जैसे यह शख्स अपनी पत्नियों को मौत के घाट उतार चुका है और अपनी सगी बहन को भी मौत के घाट उतार चुका है। और अब आप आगे सुनेंगे इसके 4th नंबर की पत्नी के माता पिता छोटे भाई बहनों के मुंह से इस शख्स की दरिंदगी की दास्तां। इसकी तस्वीर है ये, उसको बेटी को तस्वीर है, बड़ी बेटी है, 3 बेटी थी, बड़ी बेटी थी। बड़ी बेटी को शादी किए हैं, शादी जब करने के लिए गए हैं तो
सांझे आके खगड़िया में बैठ गया, तखन फोन मैंने करत कर तबाह कर दिया जल्दी जल्दी वही माधर चौधरा है लड़का, लड़का को माँ लड़का को बाप। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? लड़की का नाम मौसम कुमारी। लड़का? लड़का, लड़का का नाम विकास। अच्छा, कहाँ का है? दलसिंह सराय को है। कहाँ शादी हुई थी? खगड़िया बलवाही चौक मंदिर। मैंने तुरंत को डेट दिया, मैंने कल का डेट है, आज बोले थे कि कल हमको शादी होना चाहिए। इतनी जल्दी क्या था? इतना जल्दी हम भी बोले कि हम नहीं करेंगे इतना जल्दी, से हम 19 तारीख को करेंगे। कल के नहीं, हमको उतना दिन का छुट्टी नहीं है। क्या काम करता था वो? मैंने जॉब करते थे। खगड़िया गए तो वहाँ पर क्या क्या धरफड़ इतना ने किया, फोटो खींचने के लिए नहीं दिया किसी, यानी लड़ाई झगड़ा करने लगी। कहाँ पर फोटो खींचना? वहाँ पर मंदिर शादी का फोटो खींचने के लिए नहीं दिया। रोक रहा था? अन्य उसको मम्मी इधर घूरता था, उसको पापा भी घूरता था, उसको टाप भी घूरता था, उसको भाई उसको बहन, फोटो नहीं खींचे। हम कहिए हम खींचेंगे फोटो, काहे नहीं खींचेंगे? कल कहे कि नहीं हमको फोटो नहीं खींचेगा, हमको जॉब है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो हम भी बोले कि जॉब तो ढेरी लोग रहता है, ऐसा कोई नहीं करता है, हम फोटो खींचेंगे। नहीं खींचने के लिए तब फिर भी तेरा का फोटो खींच लिया। दिन से फोन किया तो हाँ मार गार, मैंने एक महीना मार गार नहीं दिया, तक बाद मार गार देना उसको शुरू कर दिया कि तुम अपना बाप माँ सो और जेवर मांगिए और रुपया मांगिए, नहीं देगा तो हम मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चार चक्का गाड़ी भी मांगते थे, हम भी 5 भरी सोना दिए थे, हम अपन वाला दे दिए थे और सोना मांगे थे 5 भरी। कितने रुपये का डिमांड कर रहा था? मैंने 5 लाख डिमांड किया। तक बार फिर एगो गाड़ी भी मांगते थे चार चक्का। कितना दिए आप? 5 लाख रुपया दिए हैं हम, कर्जा ऋण खेत पथारी जो हुआ बनके उनकी धर के हम दिए हैं। अच्छा। और चार चक्का गाड़ी मांगे तो हम भी कहाँ से देते, गरीब लोग हैं। का लोग भी बोले थे कि इसको रोज रात को मारते थे, रोज बेचारी कौनते थे। खत्म कर दिया उसको, खत्म कर कर आप फोन किया कि मौसम मैंने अपना आप को दुनिया में चला गया, कैसे दुनिया से चला गया हमको बेटी। घटना से कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी मौसम से? घटना से पहले नहीं बोलते थे, आज 7-8 बजे हमको बात हुआ दिन में सुबह के, और रात में घटना हुआ। अच्छा, बाद हम कल होके भेजाते विदा कराने के लिए तो उधर समा दिया कि मौसम दुनिया से चला गया। क्या हुआ था दीदी के साथ? दीदी के साथ शादी हुआ था, उसके बाद 2 महीना बाद मार दिया। मार दिया? कौन मार दिया? वही उसी के पति। क्या नाम उनके पति? माधर, नाम भुला गया, विकास माधर चौध। वही माधर चौध मार दिया। मार दिया सब मतलब? डॉक्टर के पास लेके गया था तो हमको तो नहीं पता था, हम यहाँ पे थे तो हमको मतलब पता नहीं था कि ऐसा आदमी है। तो हम वहाँ पर गए तो हम देखे तो दीदी के तो वो फांसी लगा के मारा हुआ था, उसको बहुत पीटा भी था। तो हम तो कहे डॉक्टर के पास तो लेके नहीं गया, तो उसके बाद जांच जो आया तो वो तो खुद रिपोर्ट में भी आ गया ना कि मारा है। तो फोन पे जो बातें हो रही थी डॉक्टर के पास, वो झूठ बोला, वो झूठ बोल रहा था। सोच रहा था यही सब फैमिली आएंगे तो इसको मतलब ऐसे बात मुलझा देंगे, तो लेकिन हम सब फैमिली नहीं गए, तो हम गांव समाज को भी लेके गए थे ना, तो ले गए तो वहां पे देखे तो दीदी तो वो तो खुद मारे हुए थे। तो उसके बाद तो सच्चाई खुद सामने आ गया, आंखों के देखा तो सच्चाई सामने आ ही गया, तब उसका झूठ पकड़ा गया। उसके बाद तो पापा और आगे कार्रवाई की। शादी के समय दहेज का भी डिमांड किया गया था क्या? जिस समय देखा सुनी किए थे ना, उस समय वो जो है से बोला कि जे आप क्या दे सकते हैं। हम कहे देखिए हम तो उतना जितना लायक आप हैं उतना तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव होगा कुछ जमीन बंधक भी रखना पड़ेगा, कुछ कर्जा भी लेना पड़ेगा, तो लेकर के बेटी के शादी तो करना है। दहेज नहीं वो पूरा हम नहीं कर सके, जिसके कारण वो हमारी बच्ची को 8-6 को जो है से वो मार। ऐसे पूर्व में भी हुआ कई घटना इस तरह का अंजाम दिया? पूर्व में वहाँ की समाज, जब हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो समाज के लोग जब इकट्ठा हुए तो वो लोग जो है से शादी गिनाना शुरू कर दिए। चौथी शादी है तो एक लड़की का जो शादी है वो कौन सा नंबर का है? ये चौथी।
चौथी। अच्छा, उससे तीन को बताया, एक नवादा जिला जो अभी जीवित बच करके अभी जीवित है, वो अंजलि नाम है उसका, और वो हमारे इस केस में अभी विटनेस हैं, गवाह, वो बयान भी दिए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के।